एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम की मार झेलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। पिछले दो दिनों में दिल्ली में तापमान 47 डिग्री को भी पार कर गया है। वहीं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी तापमान 47 डिग्री के करीब रहा। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के ताज़ा पूर्वानुमानों में कहा गया है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, गुजरात समेत पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी रहेगा, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अगले 7 दिन हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और विदर्भ के इलाके में भी अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसमी परिस्थितियों में यह बदलाव 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से आया है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि अरब सागर में मालदीव के आसपास और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है और ये अगले 2 दिनों तक ऐसी ही बनी रहेगी। इसकी वजह से मानसून के आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईएमडी ने कहा है कि इसकी वजह से केरल के ऊपर और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर शोभमंडल में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बन रहा है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस बीच उत्तर भारत में लोग प्रचंड गर्मी से परेशान हैं। हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जिससे अधिकतर लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर है। आईएमडी ने राजधानी दिल्ली में हीटवेव से गंभीर हीटवेव की स्थिति के कारण अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यार इस खबर में इतना ही। देश भर में बदलते मौसम को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।